मौला हुसैन का लकब अबू अब्दुल्ला। जाहिल है वो मौलवी जो कहते हैं बेटा था अब्दुल्ला उसके नाम पर, अगर बेटा अब्दुल्ला माने भी तो खुद लिखते हैं वो अली असगर से भी छोटा था और अभी हुसैन 2 साल का होता था और नाना की महफिल में आता था, तो रसूल कहते थे रास्ता दे दो अबू अब्दुल्ला आ रहा है। तो ये क्या है मकसद, हर अब्द खुदा का बाप है हुसैन। मैंने अली के बारे में कुरान से पूछा अली क्या है, सूरह ज़ुख़रफ़ ने आवाज दी इन हुवा इल्ला अब्दुन, अल्लाह कहते अली अब्द है हुसैन अबू अब्दुल्ला है। मैंने रसूल के बारे में पूछा ये क्या है, कुरान बोला सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मोहम्मद अब्द है हुसैन अबू अब्दुल्ला है। यही तो वजह थी जब पोश्त पे बैठ गया सर नहीं उठा, क्योंकि सजदे में अब्द था पोश्त पे अबू अब्दुल्ला था। अबू अब्दुल्ला जिसका बेटा है वो इबादत में ना आए, क्या बात है। महाराज मरजान यजदान बन गया, सारे कानून वकार नकवी उलट कर दिए हुसैन ने। मैं सिर्फ इसी बात पर कम अज कम 20-25 अशरे पढ़ूं फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा कानून हुसैन ने उलट किया। नहीं बाप, एक तो कह के मैं आगे गुजर जाना चाहता हूं, जो मिट्टी चाट ले बीमार हो जाता है। कभी किसी डॉक्टर के पास ऐसा बच्चा ले जाना जिसकी टांगे पतली हों, पेट बड़ा हुआ हो, रगे नीली नीली उभरी हुई हों, चेहरा गाल पिचके हुए हों, वो देख के ही कहेगा मिट्टी खाता है ये बच्चा, मिट्टी बीमार करती है, इसकी मिट्टी शिफा देती है। अगर कोई डॉक्टर बैठा है मजलिस में तो मेरी बात की तायद या तरदीद करे, जो मैं अपनी मिसाल दूं तुम्हें वो सुनाए, मुझे कट लग गया, जख्म आ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने पट्टी कर दी या दवाई लगा दी, डॉक्टर साहब परहेज मिट्टी से बचाना पानी से बचाना। डॉक्टर साहब अगर मिट्टी लग जाए तो क्या होगा, जी सेप्टिक हो जाएगा, फिर ठीक नहीं होगा। मिट्टी जख्म सेप्टिक करती है, हुसैन के घोड़े के सम की मिट्टी जख्म मिलाती है। डॉक्टर कहते हैं वो बर्तन जो मूसिल हैं यानी जो कैरियर हैं जो जरासीम कैरी करते हैं, उनमें अगर कोई मरीज कोई एड वाला कोई जरगान वाला पी ले उस गिलास से पी लो बीमारी लग जाएगी। खुदा की कसम अगर कोई आके चौकों में बाजारों में सड़कों में सिर्फ यही देख ले, मैंने जंजीर चलाई शाकिर रिजवी ने पकड़ ली, शाकिर ने छोड़ी वकार रकवी ने पकड़ ली, मेरा ब्लड ग्रुप कोई इसका कोई कोई, खून में खून मिल रहा है, खून भरा फल जिस में उतर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, ये हुसैन के बदले हुए कानून है। ये शेख असगर ये जो लबैक या हुसैन का नारा है बताइए किसका ईजाद करता है, अल्लाह का। मरवान रावी है, मरवान मरवान जानते हो, बड़ा खैर खा था ना, वो रावी है कि मैं एक रात घर से निकला, ठंड थी कपकपी छुट्टी हुई, बारिश हो रही, जनरल बकी से गुजरा, मुनाजात आवाज आई, मैं रुका कान लगाए, आवाज हुसैन की थी, मैं कहा इस वक्त क्या कह रहा है, वो कह रहा था इधर जाओ फिर सल्लाओ में मुफ्तहिलन अजाबहुल्लाह सुम्मा लब्बाहु, जो सर्द अंधेरी रात में घर का आराम छोड़कर उसे पुकारे उसका हक है वो जवाब दे। मरवान कहता है अर्श से आवाज आई लब्बैक अब्दी व अंतफी कनफी, लब्बैक अब्दी व अंतफी कनफी, करो तर्जुमा लब्बैक मेरे बंदे तू मेरे पहलू में है। कभी तुम भी लब्बैक कहते हो खुदा को, अजबे अजबे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मेरा मसला हल कर दिया और अब मैं पहुंच गया वहां जहां या अपना गरीबा चाक या दामन यजदा चाक। तुम हज पे अल्लाह को कहते हो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक और अल्लाह हुसैन से कह रहा है लब्बैक लब्बैक। हम उसे कहते हैं लब्बैक हाजी बनते हैं, लाहौर वालों जिसका हाजी वो हो। मैंने कहा हुसैन ने सारे आईन उलट कर दिए, हमेशा मेराज का तसव्वुर था बुलंद होके मेराज करना। करबला के बारे में फरमान है दिखा सकता हूँ, सारत मेरा जल मलाइकत वल मुरसलीन, करबला फरिश्तों की भी मेराज है अंबिया की भी मेराज है, पहले मेराज यूं होती थी हुसैन ने यूं कर दी, जिसकी पस्ती मेराज हो हर चीज उलट दी हुसैन ने, एक पता भी बदल दिया हुसैन ने, एक एड्रेस एक पता तब्दील कर दिया हुसैन ने। 61 हिजरी 9 मुहर्रम तक हुसैन जमीन पे मिलता था, खुदा अर्श पे, 10 के बाद हुसैन अर्श पे खुदा जमीन पे, अब खुदा करबला मिलता है। अब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भोले लोगो, तेरे इमाम सादिक ने एक अपने बंदे से साहब ही देखा, उसने कहा हमारा 29 हज कर चुका हूं तो आकर इस साल भी तैयार हो 30 हो जाए। फरमाया हल जोरदार अब्दुल्ला हुसैन की दवारी में गया है, मौला नहीं वो टैक्स छोड़ी
चेहरा जलजलाल पे सुर्खी जलाल आई, फरमा हल्ला सर तमाम यजूर अल्लाह में फौक अर्श आई, उसकी ज़ियारत नहीं की जिसकी ज़वारी अर्श से अल्लाह करता है। और ये भी फरमानी है कामिल ज़ियारात किताब का नाम है पढ़ लेना, और आज की नहीं साढ़े 1100 पौने 1200 साल पुरानी मदाबी अहले बैत की किताब, उसमें यह हदीस है, इन्ना अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अन यमीन अल अर्श यनज़ुरु इला मुअस्करिहि व ज़ुवारिहि, हुसैन की कुर्सी अर्श की दाई जानब लगी रहती है, वहीं से हर ज़ाहिर पे भी नजर है। तो 61 डिग्री से पते बदल गए, हुसैन अर्श में मिलता है, खुदा करबला मिलता है। क्योंकि लफ्ज़ कहने लगा हूँ अगर समझ में आए, बात तो अपने अपने शऊर की और कुव्वते वुसूल की है। क्यों पता बदला क्यों है, अब खुदा करबला क्यों मिलता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर किबरियाई का खून गिरा है। तेरे मौला हुसैन की जियारत का जुमला है, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, आए अल्लाह के खून मेरा सलाम। अल्लाह ने हुसैन के खून को अपना खून कहा है। के पापोश अली जाट गजनफर हो जाए, बस मजवा परानी मेरा।